दोस्तों कैसे आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज से हम लोग प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा का जीएस का उसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों उसमें जो सबसे पहले दिया गया है सामान्य अध्ययन में, वो पहला है भूगोल से शुरुआत है। और भूगोल में जो आपका दिया गया है वह है सबसे पहला पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ माने पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यह और जो इसको रखा गया आपके सिलेबस में, इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि इसको आपको यूपीटेट में नहीं रखा गया, इसलिए आपके भूगोल की जो हिस्सा छूटा हुआ था वह हिस्सा कहीं ना कहीं यहाँ लिखित परीक्षा में सम्मिलित करके आपका कोर्स लगभग पूरा कर दिया जाएगा। आयोग की बस यही मंशा है कि कोई भी अध्याय आपसे छूटने ना पाए, इसलिए लिखित परीक्षा में आपके लगभग 18 विषयों का समावेशन किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते ही है हमारी तो मानो इस पृथ्वी से मंगल ग्रह तक पहुंच गया है, बुध तक गया है, यहाँ तक कि बृहस्पति ग्रह शुक्र ग्रह तक उसके उपग्रह गए हैं, लेकिन अभी मानव के लिए पृथ्वी के गहराई में माने अंदर इस हिस्से में जाना मुश्किल हो गया है। यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि मानव अन्य ग्रहों पे पहुंच गया लेकिन पृथ्वी के अंदर अभी अंदर तक नहीं जा पाया है। उसके क्या रीजन है? उसके कई रीजन है, देखने में सुनने में बड़ा अटपटा लगता है लेकिन यह वास्तविकता है कि मानव पृथ्वी के अंदर नहीं जा पाया है जबकि अन्य ग्रहों पर हो चुका है। अब इसके लिए क्योंकि अभी हमारे यहाँ ऐसे कोई वैज्ञानिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक कोई वैज्ञानिक यंत्र नहीं है कि पृथ्वी के अंतिम गहराई तक जाया जा सके, फिर भी हमारे अध्याय का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की मतलब इसकी संरचना माने बनावट। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का माने पृथ्वी के अंदर की बनावट कैसे है। तो बिना किसी चीज को देखे हम किसी की बनावट के बारे में कैसे कह सकते हैं, उसके लिए कई रीजन होंगे। पहला, कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण होंगे, कुछ अप्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे इसके लिए सिंपल से मैं उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आएगा। जैसे आप लोग कोचिंग हमारे आए, आज पढ़ने में घर जाते हैं तो कोई पूछता है कि कोचिंग कैसे पढ़ाई गई, तो आप उनको पढ़ाई गई बातों को व्याख्या कर देते हैं, कहते सर ऐसे पढ़ाया, सर ऐसे पढ़ाया, सर बेहतर पढ़ाया, सबसे बेहतर कोचिंग है यहाँ और इससे बेहतर कहीं विकल्प नहीं है, यहाँ पे सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट, सारे टीचर स्पेशलिस्ट है। वो आपने उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से बताया, वो केवल महसूस किए कि यह कोचिंग किस तरह से हो सकता है, जबकि अगर वो खुद इस कोचिंग में आए और जब पढ़े तब उन्हें जो समझ में आया, सामने बैठे और क्लास को पढ़ा, ये हो गया प्रत्यक्ष। तो उसी तरह पृथ्वी के भी दो स्रोत हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के दो स्रोत हैं, एक प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। तो हम लोग बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। तो पहले जानते हैं कि पृथ्वी की बनी कैसे। दोस्तों पृथ्वी की बनने के लेके कई कहानियां और कई थ्योरी आपके सामने मिलेंगी, लेकिन हम लोग को उसको नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में वो नहीं है। हमको पढ़ना है पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई थी, अभी जो सर्वमान्य थ्योरी है वह बिग बैंग थ्योरी, जो जॉर्ज लेमेंटर ने इसकी शुरुआत की थी। तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार पृथ्वी एवं संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, जबकि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी वह मानी जाती है आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व, 4.6 अरब वर्ष पूर्व यह पृथ्वी की यह आयु है, 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। और इसे निहारिका परिकल्पना के अनुसार भी माना जाता है, यह नेबुला का हिस्सा था जो बाद में पृथ्वी का रूप धारण किया, और पृथ्वी समेत 8 ग्रह, पहले 9 थे, 8 ग्रह प्लस सूर्य, क्षुब्ध ग्रह, उपग्रह, इन सभी की उत्पत्ति एक साथ हुई है। इसके कई थ्योरी प्रचलित है, लाप्लास की है, निहारिका की है, लेकिन हम लोग को उसको नहीं पढ़ना है, बस हमें यह जानना है पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई उसके बाद ये उत्तप्त एवं गर्म था,
जब भी उत्तप्त एवं गर्म था तो धीरे धीरे पृथ्वी क्या हुई, ठंडा होना शुरू हुआ। तो जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होने शुरू हुआ तो घटना क्या घटी, चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई एकदम दहकता हुआ गोले के समान था, जैसा कि आप सब जानते हैं। फिर इसे ठंडा होने में करोड़ों वर्ष लगे। तो जब जो जो ठंडा होना शुरू हुआ उसके बाद यहाँ पे घनघोर बारिश हुई। जब घनघोर बारिश हुई तो घटनाक्रम क्या घटी कि यहाँ पे जो पृथ्वी के ऊपर की गर्मी थी वह तो खत्म हो गई और जल जमा हो गया, जिससे महासागरों की उत्पत्ति हुई या महासागरों का जन्म हुआ। जो हिस्सा ऊपर उथला रह गया वह महाद्वीप बने, जिस पे हम आज निवास करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुए, उससे ऑक्सीजन गैसेज आई और उसके बाद सबसे पहले एकोस्किजी अमीबा आया, फिर जलचर आए, फिर थलचर आए, फिर उभयचर आए, सॉरी जलचर, उभयचर, थलचर, फिर नभचर। इस तरह क्या जीवों का विकास हुआ। ये जीव क्रमिक विकास में पृथ्वी की आयु के साथ लगातार दोनों बढ़ते गए। फिर आते हैं पृथ्वी के पास। अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी ऊपर से तो ठंडी हो गई किंतु अंदर से आज भी दहकते गोले के समान है। जैसे आप घर में अंगीठी जलाएं, अंगीठी जलाने के बाद जब कोयला खूब दहक जाए ऊपर से आप उसे किसी राख से ढक दें, ढकने के बाद ऊपर हाथ रखते हैं तो आपको ठंडा महसूस होता है, लेकिन कुछ देर बाद यदि पूरी राख हटा दे अंदर क्या मिलेगा, वही दहकता कोयला आपके सामने नजर आएगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी ऊपर से तो ठंडी हो गई किंतु जो अंदर से आज भी यह धक्के गोले के समान गर्म है। जैसे कि वह उसी की तरह है कि ऊपर की आग बुझ गए लेकिन अंदर की आग अभी तक नहीं बुझ पाए या कोई स्रोत नहीं पहुंच पाया, इसलिए अंदर का हिस्सा आज भी गर्म है और आज भी धक्के गोले के समान है। तो अब आते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के दो स्रोत में, एक है प्रत्यक्ष स्रोत, एक है अप्रत्यक्ष स्रोत। तो जो अप्रत्यक्ष स्रोत है उसके बारे में देखेंगे। देखिए इसके दो स्रोत हैं, पहले हम लोग देखेंगे अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष स्रोत दूसरा है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत, ये प्रत्यक्ष स्रोत क्या है, अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है, मतलब ऐसे स्रोत जो हमें दिखाई न दे कल्पना के आधार पर कि पृथ्वी अंदर ऐसे होगी। अब देखते हैं, हमको ये पता है कि पृथ्वी अंदर से गर्म है क्योंकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था ऊपर से एकदम उत्तप्त थी और धीरे धीरे ठंडा हुई, ऊपर तो ठंडा हो गया लेकिन अंदर आज भी उत्तप्त गोले के समान है। तो चलिए देखते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत में सबसे पहले आता है तापमान। जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है आपका तापमान, टेम्परेचर। अब देखिए पृथ्वी के जो जो गहराई में जाते हैं त्यों तो लगातार तापमान बढ़ता जाता है। अर्थात अगर हम 32 मीटर गहराई में जाते हैं, 32 मीटर गहराई में जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। माने पृथ्वी के अंदर यदि हम 32 मीटर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। जबकि अगर इसी क्रम से बढ़ते रहे तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह 6371 किलोमीटर है तो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा पृथ्वी अपने आप में गल जाएगी। लेकिन यह दर 8 किलोमीटर तक है, उसके बाद बदलती रहती है। माने जो जो गहराई में जाएंगे इसके नीचे जाने का जो ये टेम्परेचर का प्रक्रम है यह लगातार क्या होगा, बदलता रहता है। माने 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए पृथ्वी के अंतर तक अभी तक कोई नहीं जा सका है। प्रशांत महासागर में 11 किलोमीटर तक ड्रिल मशीन से जा सके हैं और 8 किलोमीटर तक, 7 किलोमीटर तक खदानें जो खोदी गई हैं वहां से ड्रिल करके जाया जा सका है, उसके अंदर अभी तक नहीं जाया जा सका है क्योंकि तापमान इतना ज्यादा बढ़ने लगता है कि वहां पे मनुष्य का पहुंचना तो मुश्किल है और अन्य जो धातुएं पहुंचती हैं वो भी पिघल जाती हैं या अन्य क्रिया के लिए वो प्रतिकूल नहीं रहती। इसलिए पृथ्वी के अंदर नहीं जा पाने का सबसे पहला कारण क्या है, तापमान। माने जो जो पृथ्वी के अंदर जाते हैं, गहराई में जाते हैं, अंतरम में जाते हैं क्यों तो तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वहां पे पूरी तरह जो पूरी चट्टान है वो पूरी लिक्विड के रूप में होती है, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्मा।
एक स्थान ऐसा होता है पृथ्वी का जहाँ पे क्या हो जाता है पूरी तरह से मैग्मा मिलता है और मैग्मा इतना उत्तप्त होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 3200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और ये कहा जाता है कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध लोहा भी गल जाता है। शुद्ध लोहा जो प्योर आयरन होता है वो भी पिघल जाएगा। सोचिए उस स्थान पर क्या चीजें बचेंगी। इस प्रकार पृथ्वी के अपतन स्रोत में आता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, तापमान अधिक है और तापमान ज्यादा। दूसरा घनत्व डेंसिटी, ये था टेम्परेचर, ये था डेंसिटी घनत्व। ये घनत्व तो क्या होता है इसके बारे में आपको समझा दूं। जैसे घनत्व समझने का सबसे सिंपल तरीका है, आप 1 किलो भूसा लीजिए, रुई रुई जानते हैं ना, 1 किलो रुई और 1 किलो का बटखरा बाट जिसे तौल किया जाता है। आप हमें 1 किलो रुई से मारिए खींच के, हम आपको 1 किलो बटखरे से मारे, किसका सर फटेगा? बटखरे से जो मारेगा, जिसको मारेगा उसका सर फट जाएगा। क्यों? जबकि दोनों का वेट तो 1 kg ही है। जब दोनों का वेट 1 kg है तो फर्क कैसे? यही घनत्व तो होता है, यही घनत्व। दोनों है 1 kg, 1 kg रुई और 1 kg का बटखरा, 1 kg का पत्थर, लेकिन दोनों फर्क इतना है कि जो पत्थर होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और जबकि रुई की डेंसिटी क्या होती है, कम। मान उसका जो ठोसपन है वो ज्यादा होता है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं जो पृथ्वी का घनत्व है उसके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी की जो जो हम गहराई में जाते हैं तो घनत्व में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। इसके बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। जैसे पृथ्वी की एक त्रिज्या इस तरह से काट लेते, पृथ्वी का हमने एक त्रिज्या ये काट लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पृथ्वी की कुल गहराई त्रिज्या तक वह 6371 किलोमीटर। माने के यहाँ से हम लोग देखा जाए तो 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर है। और पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह आता है 5.5 सेमी प्रति घन, इतना 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी क्यूब है। तो यहाँ पे जो है 5.5, जबकि जिस स्थान पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रस्ट। यह क्रस्ट की जो मोटाई जो है या जो 0 से 30 किलोमीटर है, जब इस क्रस्ट के ऊपरी परत पर घनत्व निकाला गया, यह घनत्व कितना निकला, 2.4 से 2.5। फिर यह अनुमान लगाया गया कि जब पृथ्वी के क्रस्ट का घनत्व 2.4 से 2.5 है और जबकि औसत घनत्व 5.5 है, इसका मतलब कि कहीं न कहीं पृथ्वी का घनत्व 5.5 से भी ज्यादा है। कैसे? यदि जैसे 1 से लेकर 9 तक की संख्या का औसत 5 है, अगर 1 से लेकर क्या किसी संख्या का औसत 5 है तो संख्या हो सकती है 6, 7, 8, 9, 4, 3, 2, 1। माने वह संख्या अधिकतम 9 और न्यूनतम 1 भी हो सकती है। औसत की बात करते हैं, औसत तो उसी प्रकार इसका मतलब कहीं 9 भी हो सकता है, कहीं 11 भी हो सकता है, कहीं 13 भी हो सकता है। इस प्रकार जब बाद में अध्ययन किया गया तो पता चला कि जो जो गहराई पे जाते हैं तो घनत्व तो लगातार बढ़ता जाता है। उसके कारण दिए गए, पहला तो दबाव दिया गया, लेकिन हम लोग आगे देखते हैं क्या कारण है। तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है उसका घनत्व तो 2.4 से 2.5 तक है, जबकि कोर यहाँ जो सबसे नीचे का हिस्सा है इसका घनत्व 13.3 है। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि पृथ्वी के गहराई में जो जो जाते हैं त्यों तो घनत्व लगातार बढ़ता जाता है, जबकि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 और ऊपर क्रस्ट का घनत्व कितना है, 2.4 से 2.5। प्रश्न यही से आते हैं पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, पृथ्वी का सबसे कम घनत्व कहाँ पे है? पृथ्वी का सबसे कम घनत्व क्रस्ट में और सबसे अधिक कोर में। हाँ, और औसत घनत्व कितना है, 5.5। इसकी त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर। अगला देखते हैं, अब है तीसरा प्रेशर या दबाव। तीसरा पॉइंट आपका है दबाव, इसे हम कहते हैं प्रेशर। ये प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को समझ लेते हैं कि पृथ्वी के गहराई में जो जो जाते हैं क्यों तो तापमान बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। ये दोनों बातें क्या होगी, हमें याद होगी। और तीसरी बात क्या है, दबाव भी बढ़ता है। माने पृथ्वी के नीचे जो जो हम जाते हैं क्यों तो क्या होता है, प्रेशर या दबाव बढ़ता जाता है। इस दबाव के कारण क्या है,
इस दबाव के कारण और है कि पृथ्वी क्या है अपने धुरी पर लगातार घूमती रहती है और साथ ही साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है और 24 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। ध्रुवों पे 1675 ध्रुवों भूमध्य रेखा पे 1675 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी चलती है, लेकिन हम नहीं चलते। हमको भी तो नाचना चाहिए, लेकिन पृथ्वी का जो थ्रस्ट है वह स्थिर लगता है। सुबह से शाम हो जाती है, पृथ्वी अपना चक्कर लगा लेती है, लेकिन हम जहां रहते हैं वहां के वहीं रह जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका सबसे मेन रीजन है यही दबाव या प्रेशर। तो दबाव की वजह से अब ये कहा जाता है कि पृथ्वी के ज्यो ज्यो गहराई में हम जाते हैं तो दबाव क्या होता है? लगातार बढ़ता जाता है। प्रेशर क्या होता है? लगातार बढ़ता जाता है। और जब दबाव बढ़ता जाएगा लगातार तो क्या होगा? अब दबाव बढ़ता जाता है, इसके भी वैज्ञानिकों ने क्या दिया कि जब घनत्व तो बढ़ेगा कब? जब दबाव अधिक होगा तब। जैसे अभी लोहा की एक छड़ लिया जाए, लोहे का बटखरा लिया जाए, 1 किलो बटखरे इतना बड़ा होता है, लेकिन उसी को जो पीट दिया जाता है उसकी साइज इतना हो जाती है और वेट क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे जो रेल की पटरी होती है उसका घनत्व तो लोहे का क्या होता है? ज्यादा होता है। इतना बड़ा लोहा 5 से 10 किलो का होगा जबकि बटखरा आपका इतना बड़ा का होगा। बट तो क्या कहा जाता है कि अगर किसी वस्तु को दबा दिया जाए, प्रेशर में किया जाए, उसका घनत्व तो क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे लाई जाते हैं आप लोग, उसे फूकी उड़ जाएगा, उसे दबा दीजिए फिर फूकिए, देखिए ठोस हो जाता है। ठोस घनत्व बढ़ने वाला ठोस, किसी चीज को दबा देंगे और ठोस हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात को खारिज कर दिया कि किसी वस्तु का घनत्व की एक निश्चित सीमा होती है, उसके घनत्व के बाद उसका घनत्व नहीं बढ़ता। इस प्रकार ये जो अप्रत्यक्ष स्रोत है ये सभी कल्पना के आधार पे है और इनकी जानकारी जो मिली है वो किससे मिली है? प्रत्यक्ष स्रोत से मिली है। ध्यान दीजिएगा, जो इनके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है वो प्रत्यक्ष स्रोत से हुई है। ये अप्रत्यक्ष जो है स्रोत, ये कोरी कल्पना है, ये सभी कल्पना पे आधारित है। और इनकी जानकारी कल्पना कहाँ से की गई? यहाँ से की गई, प्रत्यक्ष स्रोत से। प्रत्यक्ष स्रोत में क्या आता है? पहला आता है ज्वालामुखी, और दूसरा आपका आता है भूकंप। इनको एक अलग अलग टॉपिक लेके एक हम लोग खत्म कर देंगे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल केवल इतना पढ़ लेते हैं ज्वालामुखी। देखिये ज्वालामुखी क्या होता है? जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी फूटता है या ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो अंदर से उत्तप्त लावा पृथ्वी के क्रस्ट पर आता है। उसी लावा का अध्ययन करके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब जो लावा नीचे से उद्गार होकर ऊपर की तरफ आता है, उसी के कारण हम क्या करते हैं? पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी की गहराई में तो नहीं जा सकते। अब वहां की जो चट्टान का अध्ययन किया, देखिए तापमान, जब लावा का उद्गार हुआ, जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, तो उत्तप्त लावा क्या हुआ? पृथ्वी की क्रस्ट पर आया। जब वो लावा पृथ्वी क्रस्ट पे आ गया तो उसका अध्ययन किया गया। जब उस लावा का अध्ययन किया गया तो क्या क्या चीजें सामने आई? तो वहां देखा गया उस लावा के ताप, उसमें इतना ज्यादा तापमान होता है कि उसके संपर्क में जो वस्तु आती है वह गल के क्या हो जाती है? लावा हो जाती है। तो इससे स्पष्ट हुआ उसका तापमान क्या होता है? ज्यादा। फिर लावा जो ठंडा होने से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उसका घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है। इससे हुआ कि पृथ्वी के अंदर जाने पे घनत्व भी बढ़ता है, उसकी लॉजिक दी गई। फिर दबाव, फिर जब अंदर से लावा निकल के आया तो उस पर देखा गया कि इतना ज्यादा पृथ्वी का प्रेशर होता है। जैसे आपके ऊपर अगर खूब ज्यादा प्रेशर हो घर में और कोई कुछ बात बोल दे, अब क्या पड़ते हैं उसके ऊपर? उसको डांट देते हैं, मतलब पूरा गुस्सा कर दे हमारे ऊपर ही उतार दिए। तो वही कारण है पृथ्वी के ऊपर इतना ज्यादा दबाव होता है, जहां पे वो दबाव कम पाता है या जहां पे परपटी हल्की पाता है उसे तोड़कर लावा का क्या कर देता है? उद्गार कर देता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा जो ये अप्रत्यक्ष स्रोत है वह किसके आधार पर है? प्रत्यक्ष स्रोत के आधार पर है। अगला है भूकंप। तो भूकंप जो आते हैं ज्वालामुखी उद्गार के बाद भूकंप का आते हैं, मतलब जहां पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहां से 200 से 400 किलोमीटर तक भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, यही भूकंप के झटके। अब ज्वालामुखी भूकंप से दो बातें बता दें, इसको अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। ज्वालामुखी और भूकंप से एक बात ये स्पष्ट है कि पूरी पृथ्वी जो स्थल भाग है वह कितना है आपका? 20.25 से 29.2%, जबकि सबसे ज्यादा हिस्सा पे जलमंडल का विस्तार है 71.8%, माने लगभग 71% लगभग 29%।
तो जो ज्वालामुखी आते हैं सबसे ज्यादा ज्वालामुखी महासागरों में समुद्रों में आते किंतु धरातल पर नहीं आते, इसलिए उसको महसूस नहीं कर पाते। और जब वहां पर ज्वालामुखी आएंगे तो क्या आएंगे, भूकंप भी ज्यादा आएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भूकंप कहाँ आते हैं, महासागरों में आते हैं। और हर सेकेंड कम से कम हजारों भूकंप आते हैं, हजारों ज्वालामुखी आती हर सेकेंड, प्रति सेकेंड जितना हम सोच सकते हैं उतनी बार ज्वालामुखी भूकंप का उद्गार होता है। इसको भी अलग अलग टॉपिक लेंगे तो उसको हम समझाएंगे। अब देखिए, लेकिन ज्वालामुखी जो उद्गार होता है, जो उसका लावा आता है, वह पृथ्वी के कुछ गहराई से ही आता है, वह पृथ्वी के एकदम अंदर गहराई तक नहीं जा पाता। जो लावा होता है, जैसे जो लावा का उद्गार होता है, वो यही है लावा, यही लावा है, यही से लावा का उद्गार होता है। लेकिन इसके जो अंदर है, इसकी जानकारी कैसे होगी? अभी ये हिस्सा भी तो बचा है, इसके अंदर की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होगी? अब इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं भूकंपी तरंगों का सहारा। अब हम कहां आते हैं, अर्थक्वेक पे। जो भूकंपी तरंगे हैं, अर्थक्वेक रेंज जो होती है, उससे क्या करते हैं, अब हम लोग पता लगाएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है। चलिए देखते हैं हम लोग। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की बात की जाती है, तो आंतरिक संरचना की बात करते समय हम पहले ज्वालामुखी और भूकंप को पढ़ते समय कुछ और बातों को ध्यान लेते हैं। देखिए, पृथ्वी की जो गहराई पे जाते हैं, जो तो हमें समझ में आता है कि तापमान, घनत्व, दबाव, तीनों चीजें क्या होती हैं, बदलते हैं। क्या होती है, तापमान बदलता है, घनत्व बढ़ता है और दबाव भी बदलता है। बदलते का मतलब बढ़ता है या घटता है, लेकिन क्या होती है, तीनों चीजें लगातार बढ़ती जाती है। अब पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की बात की गई, तो प्रारंभ में बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं के जो मत थे वे अलग अलग। तो सबसे पहले जो पहला मत आया वो श्रेष्ठ महोदय ने, ऑस्ट्रेलिया के थे, श्रेष्ठ महोदय जी ने बताया कि पृथ्वी के ऊपर जो उन्होंने अध्ययन किया, तो बताया उन्होंने रासायनिक दृष्टिकोण से, माने रासायनिक के आधार पे पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है उसे तीन भागों में डिवाइड, कितने भागों में, तीन भागों में डिवाइड। उन्होंने सबसे ऊपरी कष्ट को सियाल कहा, इसको लिखते चलेगा, सबसे ऊपरी कष्ट को उन्होंने सियाल कहा, सियाल, सियाल, उन्होंने सियाल, सियाल ही डाल लीजिएगा। बल्कि स्विस महोदय के अनुसार रासायनिक तत्वों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा गया है। शेष महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक तत्वों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। जो क्रम से सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, सीमा, नीफे, जो क्रमश सियाल, SIAL सियाल, SIMA, NIFE, नीफे, सियाल, सीमा, नीफे। अब भेद लिएगा सियाल, हिंदी में लिखेगा सब छोटी की मात्रा यार, सियाल इसमें लिखेगा पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा, सियाल कहलाता है। यह अभी यूपीटेट में पूछ चुका है और लिखित में भी आज क्वेश्चन थे, सबसे ऊपरी हिस्सा सियाल कहलाता है, सियाल कहलाता है।
में यह सिलिकन और एल्युमिनियम सिलिकन और एल्युमिनियम से मिलकर और एल्युमिनियम से मिलकर बना जो हल्के पदार्थ है जो हल्के पदार्थ हैं, इस प्रकार पृथ्वी का सबसे जो ऊपरी परत है उसका घनत्व कम है। अब सुन लीजिए, देखिए सियाल जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी कष्ट है, ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है, जो हल्के पदार्थ है इनका घनत्व तो क्या होता है, कम होता है, इसलिए जो पृथ्वी का ऊपरी परत है उसका घनत्व तो क्या है, सबसे कम है, जिसे स्वेस महोदय ने सियाल नाम से पुकारा। एस आई माने सिलिकॉन, एल माने एल्युमिनियम, माने सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है, ये दोनों हल्के पदार्थ है, इसलिए पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है उसका घनत्व तो क्या है, सबसे कम है। सबसे कम का मतलब इन तीनों में सबसे कम। ठीक, आगे लगेगा सीमा। देखिए सीमा के बारे में ये होता है एस आई और एम ए, एस आई से सिलिकॉन और एम ए से मैग्नीशियम, माने सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है, और यह इसके बच्चा क्या है, ठोस है, तो ये कहा जा सकता है इसका तत्व इसके क्या है, इसका घनत्व क्या इससे ज्यादा है, तो इसके बारे में क्या आता है परीक्षा प्रश्न, कैसे पूछा जाता है, सीमा कहाँ होता है, सीमा सियाल के नीचे और नीचे के ऊपर होता है, माने सीमा सियाल के नीचे पाई जाती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है, इसका घनत्व सियाल की अपेक्षा ज्यादा होता है, यह पृथ्वी की दूसरी परत है, इसके अनुसार स्विस महोदय के अनुसार जिन्होंने रासायनिक प्रतिक्रिया के आधार पर रासायनिक के तत्वों के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा था। लिखिएगा सीमा, यह सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, एम जी होगा कि एम ए होगा, लेकिन इसे सीमा बढ़ा जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम एस आई एम, ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, जिसका घनत्व नंबर की देन है, वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, जो पृथ्वी की दूसरी परत है, और इसका घनत्व सियाल की अपेक्षा ज्यादा है, सियाल की अपेक्षा ज्यादा है, यह सियाल परत के नीचे तथा नीपे के ऊपर पाई जाती है। यहां से इसे बजा के प्रश्न पूछते हैं, घुमा के ठीक, और आगे बढ़ते हैं, ये हो गया सीमा, अगला लिखेगा नीचे, बस 10 मिनट में खत्म हो जाएगा आज। नीचे ये है निकेल और फेरस, निकेल तो जानते हैं, फेरस माने लोहा होता है, एफ ई फेरस, ये निकेल और फेरस से मिलकर बना है, अब
जानते हैं जहां लोहा होगा घनत्व सबसे ज्यादा होगा, इसलिए इसका घनत्व तो, ये भारी पदार्थों से, ये ठोस पदार्थों से मिलकर बने हैं या भारी पदार्थों से मिलकर बने हैं, ये भारी पदार्थों से मिलकर बने हैं इसलिए इसका घनत्व तो, इसलिए इसका घनत्व तो, इसलिए इसका घनत्व तो, इसलिए इसका घनत्व तो, घनत्व तो, सर्वाधिक होता है, इसलिए इसका घनत्व तो सर्वाधिक होता है। और यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है, और यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है। चलिए अब पढ़ लेते हैं हम लोग पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वर्तमान समय में इसे कितने भागों में बांटा गया है। यह मान लिया पूरी पृथ्वी है, ये इसका केंद्र है, तो केंद्र से लेकर यहां से मैं एक त्रिज्या काट के यहां ला रहा हूं, जो समझ लीजिए मैं यही इतना त्रिज्या काट कर यहां ला रहा हूं। अब देखिए पृथ्वी को तीन भागों, पहले तो रासायनिक प्रतिक्रिया के आधार बांटा गया, अब बाद में जब लोगों को समझ में आया नहीं नहीं इसके हम घनत्व के आधार पर भी इसे क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, तो इसको तीन भागों में पहले बांटा गया, भूपर्पटी, मेंटेल और कोर। देख लीजिए हम लिखते हुए समझा, तो यही हिस्सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इतना हिस्सा लिया इतना माने इतना हिस्सा, यह हिस्सा लिया माने यह हिस्सा, तो मैं अगर मैंने यहां तक लिया तो यह एक हिस्सा हो गया माने एकदम ऊपर का पतला सा, यह दूसरा हिस्सा और ये, तो इसको पृथ्वी को आंतरिक संरचना के आधार पर घनत्व के आधार से तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन इसको मिटा दिया, इसका काम खत्म, ये समझाने के लिए था कि मैं इतना हिस्सा काट के ला रहा हूं, मैंने यह हिस्सा यहां पे और यह हिस्सा यहां पे, यहां का ये यहां का हिस्सा, इसे कहा जाता जो ऊपर हिस्सा है इसे कहते हैं भूपर्पटी, अंग्रेजी में इसे क्रस्ट कहते हैं, यह है भूपर्पटी, क्या लिख रहे हैं इसे भूपर्पटी, यह है भूपर्पटी, इसे क्रस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, इसे क्रस्ट कहते हैं, इसकी जो मोटाई है वह है आपकी 0 से 30 किलोमीटर, की जो मोटाई है वो 0 से 30 किलोमीटर, सारी मोटाई किलोमीटर लिखेंगे, इसकी जो मोटाई कितनी है 0 से 30 किलोमीटर। अब हेडिंग बनाते हैं हम लोग भूपर्पटी, सुन लीजिए लिखिएगा बाद में समझ लीजिए, ये भूपर्पटी क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। अब अगर हम हेडिंग बनाएंगे भूपर्पटी उसको समझ लीजिए, यदि पृथ्वी की तुलना एक सेब से की जाए, पृथ्वी की तुलना एक सेब, सेब जानते हैं ना, सेब से की जाए तो सेब का छिलका जितना मोटा होता है सेब की अपेक्षा उतने मोटी या पृथ्वी की अपेक्षा क्या हमारी भूपर्पटी है, मैंने नाम मात्र की छिलका सहित सेब खा जाते हैं, तो वही समझ लीजिए छिलका सहित भूपर्पटी दिखा जाएंगे, इतनी यह पतली है जबकि इसकी मोटाई 0 से 30 किलोमीटर है, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिस पर मानव जीवन निवास करता है, यह मानव गतिविधियां होती है जिस पर, इस पर जीव जंतु निवास करते हैं वह पृथ्वी की क्या कहलाती है, भूपर्पटी या क्रस्ट कहलाती है। भूपर्पटी का जो घनत्व है वह 2.4 से 2.5 तक है, कितना है 2.4 से लेकर 2.5 तक है, इसको दो भागों में बांटा गया अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट का है 2.4 और लोअर क्रस्ट का है 2.5 से 2.6 के लगभग। इसकी विशेषता ये है जहां पर ये महाद्वीप है वहां पे इसकी मोटाई लगभग 35 से 40 किलोमीटर है, और जहां पे ये महासागर है वहां पे इसकी मोटाई 30 किलोमीटर है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि महाद्वीप में इसकी मोटाई 40 किलोमीटर है, महासागरों में इसकी मोटाई 30 से 33 किलोमीटर है, माने जहां पे ये महासागर है वहां पे क्या है ये पतली है, और जहां पे
महाद्वीप वहां पे ये मोटी है माने इस तरह से। अब सीधी सी बात है, अगर यहाँ से नापेंगे इसकी एस्टिमेटाई का एस्टिमेटाई ज्यादा निकलेगी ना, ये गहराई में सागर है, नीतल है, सागर का नीतल है, ये गहराई ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे इसकी मोटाई महासागरों में, जैसे यहाँ पे जल भरा है, जल जमा है, ये महासागर है और ये महाद्वीप है, तो जो महासागर है यहाँ पे इसकी मोटाई कितनी है, 30 किलोमीटर, और यहाँ पे इसकी मोटाई कितनी है, 40 किलोमीटर। वैसे तो हम कहते हैं जो भूपटी मोटा है 0-30 किलोमीटर है, लेकिन वास्तव कितनी है, यहाँ पे 30 और यहाँ पे ये एवरेज है, ये लगभग औसत माना जाता है, औसत मोटाई इसकी है, तो ये 30-40 10 किलोमीटर का अंतर। और इसीलिए महासागर जो गहराई अंतिम बिंदु होती है उसे गर्त कहते हैं, मेरियाना ट्रेंच जो प्रशांत महासागर में जिसकी गहराई कितनी है 11,022 या 11,005 मीटर, माने 11 किलोमीटर गहरी है। अगर ये यहाँ पे अगर हम देखा जाए माउंट एवरेस्ट से लगभग कितना है 9 किलोमीटर, ये 11 किलोमीटर गहरा है तो इसका एवरेज कितना हो गया, 9 हो गया और ये 11 माने 20 किलोमीटर। अरे वो 9 ऊपर है और ये गहराई 11, 9 माने ऊपर से लेकर नीचे रस्सी ले जानी होगी, तो 20 किलोमीटर लंबी रस्सी चाहिए, माने पृथ्वी का जो उच्चावच, इसे क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं। तो ये पृथ्वी का उच्चावच है, सबसे गहरा बिंदु सबसे ऊंचा बिंदु का अंतर। तो पृथ्वी का जो सबसे गहरा बिंदु है वो क्या है, मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त, जो कहां पे आपके प्रशांत महासागर में है। तो इसीलिए महासागरों में इसकी मोटाई कम और महाद्वीप में इसकी मोटाई ज्यादा मिलती है। और आगे बढ़े, अब अगला आता है उसे कहते हैं मेंटिल, इसे अंग्रेजी में मेंटिल कहते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। लोअर, देखिए अपर मेंटल लोअर मेंटल क्या है, देखिए वैसे तो इसको जब मेंटल कहेंगे इसकी मोटाई हो जाएगी 30 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर, कितना हो जाएगी 30 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर, क्योंकि 30 की भूपरवटी, उसके बाद कह सकते हो कि मेंटल, मेंटल होगी 30 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर। लेकिन अध्ययन के दृष्टिकोण से इसको भी दो भागों में बांट दिया गया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल की जो ये मोटाई है वह 30 से 700 किलोमीटर और जो लोअर है इसकी मोटाई है 700 से लेके 2900 किलोमीटर। माने मैं कह सकते हैं कि जो अपर मेंटल है उसकी मोटाई 30 से 700 किलोमीटर है, जबकि जो लोअर मेंटल है उसकी मोटाई 700 से लेके 2900 किलोमीटर। और जो लावा हमारे यहाँ निकलता है उत्तप्त मैग्मा, यहीं से निकलता है इसी ऊपर अपर मेंटल से। ध्यान दीजिएगा, जो उत्तप्त मैग्मा बाहर आता है लावा के रूप में वह यहीं से आता है, अपर मेंटल से ही निकलता है। अब हम नीचे आते हैं, इसे कहते हैं अंग्रेजी में कोर और हिंदी में क्रोड कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कोर, COR, कोर कहते हैं। यह पृथ्वी का सबसे निचली परत है जिसका घनत्व तो सबसे ज्यादा है। इसको भी अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा गया है, ऊपर कहते हैं अपर कोर और इसे कहते हैं लोअर कोर। इसकी देखिए अब पूरे क्रोड की अगर गहराई देखेंगे यह हो जाएगा 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर। यह पृथ्वी की क्या, यहाँ 2900 से लेके 6371 किलोमीटर, यहाँ सबसे ज्यादा घनत्व तो पाया जाता है। और यहाँ पे भी हमने देखा था ये कौन सी है, यही नीचे है, यही नीचे का हिस्सा है। इसकी मोटाई अपर कोर की जो मोटाई है वो 2900 से लेके 5150 किलोमीटर है, जबकि लोअर कोर की जो मोटाई है वह 5150 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक है। और इसका जो घनत्व तो है लोअर का वह 13.3 है। इसको पूरा एक बार हम फिर समझ लेते हैं, एक बार पुनः देखिए, पृथ्वी को अध्ययन के दृष्टिकोण से तीन परत में बांटा गया था। सबसे पहला था क्रस्ट, जिसे भूपरपटी कहते हैं, यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसमें मानव जीवन मानव गतिविधियां निवास करती हैं। इसकी जो मोटाई है वह लगभग 0 से 30 किलोमीटर है और
या महाद्वीपों में इसकी जो मोटाई है वह 40 किलोमीटर मानी जाती है, महासागरों में इसकी मोटाई 30 किलोमीटर मानी जाती है। और इसको दो भागों में बांटा गया, अपर अपर कस्ट और लोअर कस्ट, माने ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी। ऊपरी भूपरपट्टी का जो घनत्व है 2.4 है और नीचे का 2.5 से 2.6 के मध्य पाया जाता है। उसके बाद जो अगला आता है उसे कहा जाता है मेंटिल, यह पृथ्वी का सबसे मध्य का हिस्सा है जहां पे इसकी कुल मोटाई 30 किलोमीटर से लेके कितनी आपकी 2900 किलोमीटर है। इसे धन के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा गया है, अपर मेंटिल और लोअर मेंटिल। अपर मेंटिल को माने बाह्य मेंटिल और आंतरिक मेंटिल। अपर मेंटिल का जो क्षेत्र है वह आपका 30 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर, इसी के बीच में जो उत्तप्त लावा का उद्गार होता है, मैग्मा का उद्गार होता है, वहीं से निकलता है। फिर उसके नीचे है लोअर मेंटिल, जिसे आंतरिक मेंटिल कहते हैं। इसकी जो गहराई है वह 700 से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच में। उसके बाद जो अगला आता है पृथ्वी का सबसे अंतिम परत, उसे कहा जाता है कोर या क्रोड। ये इसी की वजह से है, इसी की वजह से इसका घनत्व ज्यादा होने की वजह से पृथ्वी घूमती है और हम घूमते नहीं, इसी की देन। अभी समझाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जानिएगा। इसी की वजह से पृथ्वी की जितनी भी तेज गति होती है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी देखेंगे यही से कारण ऐसा है जो पृथ्वी को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ है। मेरे घर तो ज्यादा ना होता तो पता नहीं क्या होता, हमारे घर भी आज पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होते रहते, ठीक है। ये और ये दोनों फैक्टर काफी जिम्मेदार है हमें सुरक्षित रखने के लिए। तो इसे भी इसकी जो मोटाई है क्रोड की या कोर की, यह है आपकी 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है, सीधा सीधा पूछ लेता है परीक्षा में, पृथ्वी का व्यास कितना है, तो व्यास क्या, त्रिज्या का दुगना 6371 गुणे 2 कर दीजिए, आपका निकल जाएगा पृथ्वी का व्यास। तो यह है 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर कोर है। इसे भी अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा गया है, अपर क्रोड और लोअर क्रोड। अपर क्रोड की जो मोटाई है वह 2900 से 5150 किलोमीटर, जबकि लोअर क्रोड की जो मोटाई है वह 5150 से 6371 किलोमीटर थी। इस प्रकार आज हमने पृथ्वी की आर्थिक संरचना को आपको बताने का प्रयास किया और हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कल पढ़ेंगे पृथ्वी की आर्थिक संरचना प्रत्यक्ष स्रोत के आधार पर। जो प्रत्यक्ष स्रोत होगा वो क्या होगा, उससे हम लेंगे भूकंप और ज्वालामुखी, माने भूकंप के आधार पर और ज्वालामुखी के आधार पर। यह दोनों अध्याय आपके सिलेबस में अलग से दिए गए, लेकिन मैं उसे आर्थिक संरचना के आधार पर ही पढ़ा दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, और कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही बहुत बड़ी बात होती है। और भूकंप में भूकंपी तरंगे पढ़ेंगे हम लोग, ज्वालामुखी में ज्वालामुखी का उद्गार पढ़ेंगे, कहां कहां ज्वालामुखी उद्भेदन होता है और उसके स्थान क्या क्या है, उससे लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, प्रमुख ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी कितने भागों में बांटा गया है, और ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद जो अस्थल आकृतियां बनती है उनके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। यदि आपका कोई क्लास क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया है 40 दिन में आपका सिलेबस खत्म करना है। ये नहीं कि आज ये कल वो, क्योंकि क्लास रेगुलर चलेगी और आज का जो अध्याय था आज यहीं तक पढ़ाने का था, और उसके बाद हम यहाँ से जीएस से आपके लिए 8000 प्रश्न बना के रखे हैं, 8 से 10 हजार। अभी ज्योति में मदद करेंगी अपने बाल विकास और शिक्षण विधि से, इसका इजाफा हो कि ये 15,000 से 12,000 भी जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी है, और इसका मैंने इसको बनाने का जो मेरा उद्देश्य था वह यह था कि यदि आप ने यूपी टेट में जीएस पढ़ लिया है, काम भर का हर कोचिंग वाले खूब रट्टा मरवा दिए पर्यावरण में, अब क्या पढ़ने, आपको प्रैक्टिस करना है और 40 दिन आपके हाथ में है। अगर मैं सिलेबस पूरा लिखवाऊंगा समय कम बच जाएगा, इसमें जैसे जो मैंने आज पढ़ाया इससे जुड़ी कम से कम 500 प्रश्न बनाए, 300 प्रश्न घुमा घुमा के, कभी कोर पूछा है, कभी क्रोड पूछा है, कभी अगर परीक्षा में प्रश्न आएंगे आप आसानी से कर ले जाएंगे। इसलिए मैं आज या कल के बाद से सारे प्रश्नों को बांटना शुरू करूंगा, और जो ऑनलाइन है ऑफलाइन दोनों अभ्यर्थियों को मैं 8000 प्रश्नों का संग्रह दूंगा जो सभी सिलेबस से है, और एक दिन में आपको मैं 400 प्रश्न दूंगा। अगर एक दिन में 400 या 200 दूंगा तो 40 दिन में 8000 प्रश्न कंप्लीट। तो आपको कल से, आज के मैंने कल से लगातार आपको 400 प्रश्न का संग्रह मैं दूंगा, और 400 प्रश्न आप घर जाके करेंगे या आपका होमवर्क भी होगा, नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा। वह सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे ताकि परीक्षा में आपके गलत ना हो, और अगर बहुविकल्पी साल के हैं और वही क्वेश्चन रिपीट भी करेगा, घुमा के पूछेगा, जैसे आज पूछ दिया पृथ्वी की दूसरी सबसे स्वेज महोदय के अनुसार प्लेट कौन सी है, या रासायनिक क्या बता दिया आपने सीमा, फिर पूछेगा अगला क्वेश्चन 2 दिन बाद आएगा, भैया सीमा सियाल के नीचे पाई जाती है, नीफे के नीचे पाई जाती है, नीफे के ऊपर पाई जाती है, नीफे और सियाल के बीच में पाई जाती है, 4 विकल्प, उसमें कौन से, माने वही प्रश्न को मैं घुमा के कई बार पूछा हूं ताकि वह चीजें आपको क्विक रिवीजन हो जाए या रिमाइंडर हो जाए आपको वापस। इसलिए मैंने 8000 प्रश्नों का संग्रह किया है जिसमें आपके सिलेबस से
50 नंबर के हैं। 20 नंबर का आपका जीएस, 10 नंबर का पर्यावरण, 10 नंबर का विज्ञान और 30 नंबर का करंट अफेयर। कितना होगा? वो ज्यादा हो गया। 20 नंबर का जीएस है, 30 नंबर का करंट अफेयर, 10 नंबर का एनवायरमेंट, अच्छा एनवायरमेंट इसमें हो गया, 10 नंबर का साइंस। माने 60 नंबर का जो सिलेबस है उससे मैंने 8000 प्रश्नों का संग्रह किया। तो ये आपके लिए बेहतर है, इस तरह आप लेकर प्रैक्टिस करते हैं क्लास में, आप अब्सेंट हो या ना हो मेरा काम है। एक भी रहेंगे, दो लोग रहेंगे तभी मैं वाच के खत्म करूंगा, क्योंकि मैं 40 दिन में कोर्स खत्म करूंगा और मुझे भी खुद पढ़ना है आपके साथ, इसलिए हर दिन मैं आपके साथ खुद पढ़ूंगा, क्योंकि दूध की जिली बिल्ली भी मट्ठा खुद फूक के पीती है। इसको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, 6306344367 पे यहाँ पे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यह और ये यहाँ भी क्लासेज आपको 40 दिन चलेगी, संपूर्ण वीडियो लेक्चर और आपको जो क्लास की नोट्स है पीडीएफ में सॉफ्ट कॉपी आपको प्राप्त हो जाएगी। और जिनको ऑनलाइन नोट्स चाहिए तो 10 तारीख तक इंतजार करें, 10 तारीख के बाद आप सभी को ऑनलाइन नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। और तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।